नमस्कार आदाब। इस समय हम बेनजीर ग्राउंड पर खड़े हैं। ये बेनजीर पैलेस का एक अपने आप में बड़ा इतिहास रहा है। काफ़ी यहाँ पर शूटिंग्स होती हैं, बड़े राजनीतिक लोग आते जाते हैं। एक पुराने इतिहास को समेटा हुआ है ये पूरा स्थान अपने आप में। तो हमारे साथ एक अच्छे विचारक और कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हमारे पास हैं, उमर पाशा जी। इनसे पूछूंगा, पाशा साहब, ये पूरा एरिया जो है किस चीज़ के लिए जाना जाता था, यहाँ क्या होता था बेनजीर पैलेस में? देखिए, बेनजीर जो है वो नवाब हमीदुल्ला खां का लास्ट रूलर ऑफ नवाब हमीदुल्ला खां का सेक्रेटरीट था, उनका ऑफिस था। और जब भी वो भोपाल में होते थे तो यहाँ पर रोज़ आते थे और बैठ के अपने सारे दफ्तर के काम करते थे। और ये तालाब जो आप ये देख रहे हैं सर, इस तालाब का नाम मोतिया तालाब है। ये तालाब के बारे में भी कुछ बताइए, ये मस्जिद से इसका क्या कुछ कनेक्शन है? साहब, इसका कोई प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ये हौज बनाने के लिए, ताजिल मसाजिद के लिए हौज बनाया गया था। ऐसा मुझे, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैंने सुना है ऐसा। लेकिन ये अच्छे हमारे शहर के उमर पाशा, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर भी हैं, विचारक भी हैं, एक समाज सेवक भी हैं, उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि जब भी नवाब हमीदुल्ला साहब यहाँ आते थे तो वो वहाँ विश्राम करते थे, ये उनका दफ्तर था। और कई चीज़ें भी मैंने इनसे पूछी है जी। अच्छा, मैंने तो जब बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे तो 10 पॉइंट्स के साथ उनको एक मेमोरेंडम दिया था कि बेनजीर कॉलेज को हज हाउस बनाया जाए। एक तो यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध, शहर के बीचों बीच होने के बावजूद भी ये अलग से अलग था। हज कमेटी करीब थी, हमीदिया हॉस्पिटल करीब था, बस स्टैंड स्टेशन करीब था, बैंक्स करीब थे। मैंने उनको 10 पॉइंट के साथ दिया था कि हज हाउस बेनजीर कॉलेज को बनाया जाए तो ये एक अच्छा हो जाता, लेकिन अब ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ ले गई। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद, जिसे देखने के लिए यहाँ पर दर्शक आते हैं, सैलानी आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं इधर। इन्होंने इस बात को रखा था, एक मेमोरेंडम दिया था सरकार को, जो कि किसी कारणवश हज हाउस यहाँ पर नहीं बना, लेकिन यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ ये चीज़ बन जाना चाहिए थी। तो हम खैर मकदम करते हैं उमर पाशा जी का भी, इन्होंने अच्छे विचार हमें बताए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये एक ऐतिहासिक जगह पर हम खड़े हैं, बेनजीर पैलेस, बेनजीर ग्राउंड और मोतिया तालाब के पीछे ताजुल मसाजिद आप विश्व प्रसिद्ध देख रहे हैं। लेकिन अब एक नज़ारा यहाँ भी हमारे कैमरामैन साहब से कहूँगा कि बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के, और ये गंदा सीवेज जो है इस पानी के अंदर जा रहा है। नाना प्रकार के योजनाएँ लागू हैं, जल मिशन के योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्चा करके इस ओर कई सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ पा रही है। आप इस गंदगी को देखिए, यहां सैलानी आते हैं, एक ऐतिहासिक जगह पर ऐसा कचरा, और इसमें ये इधर कचरे पे भी मैं बताना चाहूँगा कि इधर कचरा भी काफ़ी पड़ा हुआ है। ये वार्ड नंबर 8 और जोन नंबर 2 के अंदर ही आता है। और इस तालाब को लेकर सरकार कुछ निर्णय ले, इसे एक सैलानी पॉइंट बनाए, तो आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छा सैलानियों के लिए पॉइंट साबित हो सकता है। आप ये देख सकते हैं चारों तरफ कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बदनुमा दाग भी इसमें लगा हुआ है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं बगैर प्लांट के ये जो सीवेज का पानी है सीधा इस तालाब के अंदर जा रहा है। जानवर भी इस पानी को पीते हैं, इस्तेमाल भी होता है ये पानी, और धोबी समाज के लोग भी यहाँ पर अपने कपड़े धोते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। और चारों तरफ आप एक निगाह घुमाना चाहूँगा कि एक ताजमहल के नाम से मशहूर एक बहुत बड़ी इमारत भी इस तालाब को छूती है, यानी कि भोपाल राजधानी भोजताल की नगरी में ये ऐतिहासिक है। और इसी के साथ मैं बोलूँगा ज़रा सा हमारे कैमरामैन जी को पीछे घुमाने के लिए, ये आप ये जो पीछे एक पुरानी ऐतिहासिक ये गेट देख रहे हैं, ये बेनजीर गेट है। इस बेनजीर गेट है काफ़ी प्रसिद्ध और कई इतिहास को समेटे हुए अपने आप में। और आपने देखा कि हम गणित न्यूज़ के माध्यम से कई ऐसी समस्याएँ, कई ऐसी चीज़ों को हम रूबरू कराते हैं जिनको लोग नहीं देख पाए हैं, और शासन का शायद कभी ध्यान नहीं गया हो, तो इस हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ कुछ सफाई हो आगे जाके और इसका जीर्णोद्वार हो। मैं गणित न्यूज़ से आसिफ खान, भोपाल।